वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गोट मैनेजमेंट, मतलब गोट की कैसे रख रखाव किया जाता है। ठीक, कैसे जब वो बच्चा देती है तब उसका रख रखाव करना चाहिए, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, कितनी फीड देनी चाहिए हमको, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो गोट थी वो उसको आदमी ने पालना शुरू किया था 900 से 700 BC के करीब। ठीक है, 900 से 700 BC के करीब आदमी ने पालना शुरू शुरू किया था। और किस किस चीज के लिए रखी जाती है जो गोट पाली, किस किस चीज के लिए जाती है? मिल्क के लिए, मीट के लिए, ठीक है, दूध के लिए, मीट के लिए, उसकी खाल के लिए या चमड़े के लिए। ठीक है, फाइबर के लिए, जो उनसे मतलब कोई कोई गोट होती है जो फाइबर देती है, वूल देती है। ठीक, उनके मैन्योर के लिए, मतलब गोबर के लिए। ठीक है, और कुछ टर्म है गोट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि जो गोट होती है, स्पीसीज होती है कैप्राइन, कैप्राइन स्पीसीज में आती है। जो गोट होती है कैप्राइन स्पीसीज में आती है, और इनका जो साइंटिफिक नेम होता है कैप्रा इरिकस होता है। ठीक है, कैप्रा इरिकस, ठीक है, CAPRA, कैप्रा इरिकस, HIRCUS, ठीक है, कैप्रा इरिकस। फिर ग्रुप ऑफ एनिमल, बहुत सारी बकरियों के झुंड को कहते हैं, बकरियों के झुंड को कहेंगे फ्लोक और बैंड। ठीक है, फिर जो अडल्ट मेल होगा, जो बकरा होगा, उसको क्या कहेंगे? बक, बकरे को कहेंगे बक। ठीक है, बकरी को कहेंगे अडल्ट फीमेल, डो। ठीक है, अगर मेल यंग वन है, ठीक है, बकरी का मेल यंग वन है तो उसको कहेंगे बकली। ठीक है, फीमेल यंग वन है तो उसको हम कहेंगे गोटली। अब जो न्यूबोर्न जो होता है, बकरी का बच्चा होता है, न्यूबोर्न होता है, जो जो 2 या 3 दिन का होता है, उसको कहते हैं किड। ठीक है, फिर ऐसे ही किड से आया है किडिंग वर्ड। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन गोट इज कॉल्ड किडिंग। ठीक है, बकरी जब बच्चा देती है उस प्रोसेस को कहते हैं किडिंग। ठीक है, फिर एक्ट ऑफ मेटिंग सर्विंग कहेंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ मेटिंग इन गोट इज कॉल्ड सर्विंग। एक्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय गोट इज ब्लीट साउंड। ठीक है, ब्लीटिंग करती है। ठीक है, हमेशा कभी भी हीट में आती है तो ब्लीटिंग करेंगी, काउ करेगी, बिलोइंग करेगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है जो प्रेगनेंसी होती है उसका जेस्टेशन पीरियड कितना होगा। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड इनका होता है 145 से 153 दिन, 145 से 153 दिन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हर जानवर का जेस्टेशन पीरियड तुमको पता होना चाहिए, कैटल का, बफेलो का, शीप का, गोट का, पिग का, ठीक है, हर एनिमल का पता होना चाहिए। ठीक है, 145 से 153 दिन, या एवरेज लोगे तो आप 149 से 150 दिन इतना आएगा। ठीक है, फिर जो बर्थ वेट होता है, जो जो किड होता है, ठीक है, उसका बर्थ वेट कितना होगा? 1.4 किलोग्राम। ठीक है, 1.4 किलोग्राम, ठीक है, इसके आसपास होगा, 1 से 4 किलोग्राम। ठीक है, फिर जो अडल्ट वेट होगा, जो अडल्ट वेट हो जाती है, पूरी बकरी हो जाती है, उसका वेट होता है, अडल्ट वेट कितना होगा? 19 से 40। फिर जो अडल्ट वेट होता है वो 19 से 40 किलोग्राम। ठीक है, 19 से 40 किलोग्राम तक हो सकता है, वो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जमुनापारी ब्रीड है, लार्ज ब्रीड है, तो उसमें 40 किलो तक भी जा सकता है। ठीक, कोई छोटी ब्रीड है उसमें कम होगा। ठीक है, अब दूसरा है कि मतलब प्यूबर्टी की एज। ठीक है, जब ओवरी से ओवा सिक्रीट होना शुरू कर देते हैं, वो कितनी एज? प्यूबर्टी की एज 4 से 5 महीने। ठीक है, जो प्यूबर्टी की एज। ठीक है, फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, कितनी देर तक हीट में रहती है? ठीक, 12 से 48 घंटे तक हीट में रहती है। अगर एक बार हीट में आती है तो एक बकरी 12 से 48 घंटे तक हीट में रहती है। ठीक, रेट और रेस्पायरेशन, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? 12 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेती है। ठीक, उसका बॉडी टेम्परेचर 101.3 से 103.5 डिग्री फारेनहाइट, या 38.3 से 38.9 डिग्री फारेनहाइट, या 39 डिग्री फारेनहाइट। ठीक, डिपेंड करता है, जैसे मतलब अगर किड है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक, अडल्ट है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। ठीक है, फिर जो एवरेज हार्ट बीट, ठीक है, कितनी बार दिल धड़कता है उनका 1 मिनट में, वो है फिर गोट की हार्ट रेट होती है वो होगी 70 से 90 पर मिनट होगी। ठीक है, जो आपके इस मटेरियल में दे रखी है वो गलत दे रखी। ठीक है, ये भूल जाओ। ठीक है, याद रखना 70 से 90 पर
पर मिनट, ठीक है, 70 से 90 होगी, ठीक है, हार्ट बीट जो होती है गोट में वो 70 से 90 पर मिनट होगी, ठीक है। जो मिल्क प्रोडक्शन होगा गोट में 800 ग्राम से 4 किलोग्राम डेली होता है, ठीक है, 800 ग्राम से 4 किलोग्राम डेली। फिर जो गोट होती है, गोट जानी जाती है ट्विन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जुड़वा बच्चे पैदा करती है, ठीक है, जुड़वा किड पैदा करती है, ठीक है। ज़्यादातर अपनी इंडियन ब्रीड है, वे ज़्यादातर दो दो बच्चे पैदा कर सकती है या कभार ट्रिपलेट भी पैदा कर देती है, ठीक है। फिर जो गोट होती है एक साल में 2 बार बच्चे देती है, ठीक है, एक साल में 2 बार बच्चे देती है, ज़्यादातर दो बच्चे देती है, ठीक है, एक बार में। फिर कुछ एक ब्रीड है जैसे मतलब अपनी ब्लैक बंगाल ब्रीड है, एक गोट की प्रोलिफिक ब्रीड है, उसमें जो बच्चे जो देती है दो दो देती है एक बार में। फिर अगली है फीडिंग हैबिट ऑफ गोट। फीडिंग हैबिट में देखो, पहली बात है गोट की कुछ पिक्यूलरिटी है, ठीक है, उसमें पहली बात है कि जो गोट होती है उसका जो अपर लिप होता है, ठीक है, वो क्लेफ्ट होता है, ठीक है, उससे कि वो अपनी जो ग्रास जो होती है उनको आराम से पकड़ पाती है, ठीक है, जितनी भी ग्रास होती है उनको आराम से पकड़ पाती है, ठीक। तो जो गोट होती है वे ब्राउजिंग करती है हमेशा, ठीक है, ब्राउजिंग करेंगी, ठीक है। फिर जो गोट होती है वेरी फास्टिडियस एनिमल है, ठीक है, जो साफ सुथरा होगा उसी को खाएंगी, ठीक है, और जो गंदी चीज होगी उसको नहीं खाएगी, जमीन में जो नीची चीज होती है उसको नहीं खाती जल्दी से, ठीक है। और जितनी अलग अलग तरह की फीड खानी पसंद करती है, लेकिन कैटल जो है और शीप है वो अलग अलग तरह की फीड खानी पसंद नहीं करती, कोई एक फीड दे दो खा लेती है, ठीक है। फिर जो गोट होती है वो कड़वे में, मीठे में, नमकीन में, ठीक है, इनमें फर्क बता सकती है, खट्टे में इनमें फर्क बता सकती है, ठीक। फिर उनकी जो अलग अलग टॉलरेंस उनकी, ठीक है, जैसे मतलब कड़वा ज्यादा खा सकते हैं गोट, ज्यादा कड़वा भी खा सकती है, ज्यादा खट्टा भी खा सकती है, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ बिटर टेस्ट जो कड़वी होती है, कड़वी वेजिटेशन होती है, उनको भी डाइजेस्ट करती है, ठीक है। जो गोट का अपर लिप बड़ा ही प्रिहेंसाइल होता है, कि मतलब वो उसको पकड़ने के लिए काम आता है, ग्रास को पकड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। और जो गोट होती है वे क्रूड फाइबर को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो रूमिनेंट है तो क्रूड फाइबर आराम से डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट है कि जो अपर लिप होता है गोट का वो प्रिहेंसिव होता है, ठीक, फिर फास्टिडियस एनिमल, ठीक, अलग अलग टेस्ट का पता लगा सकती है, ठीक। फास्टिडियस मतलब अलग अलग तरह की फीड और वेजिटेशन पसंद करती है, ठीक। फिर चौथा पॉइंट है इजिली कैन डाइजेस्ट क्रूड फाइबर, जैसे कि रूमिनेंट है तो आराम से क्रूड फाइबर को डाइजेस्ट कर सकती है। गोट कैन कंज्यूम ईट और एरोमेटिक हर्ब्स, ठीक है, जो एरोमेटिक हर्ब्स होती हैं जो सुगंध आती हैं जिनमें से, ठीक है, उनको भी खा सकती हैं, ठीक है। कई जो जानवर होती हैं एरोमेटिक जो जिसमें सुगंध आती है उनको खाना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो लेकिन गोट खा लेती है, ठीक। तो गोट करती है ब्राउजिंग करती है गोट, ठीक है, ब्राउजिंग मतलब सिलेक्ट कर करके खाती है, ठीक, और पेड़ पे लगी हुई चीज को खाएगी, टांगे ऊपर उठा के पेड़ के ऊपर रखती है तब पेड़ में खाती है, ठीक है। स्टॉल फीडिंग गोट के लिए की जाती है, ठीक, तो ये याद रखना कि स्टॉल फीडिंग जो की जाती है गोट के लिए की जाती है, ठीक है। तो गोट ब्राउजिंग करती है और शीप जो होती है ग्रेजिंग करती है, ग्रेजिंग मतलब वो जमीन से खाती है, ठीक है, जमीन में, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है जो गोट जो होती है वो अपने ज्यादातर न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको ब्राउजिंग या ग्रेजिंग से प्राप्त कर लेती है, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक है, वो उनके लिए उनको अलग से लेग्यूमिनस पाउडर या कंसंट्रेट देना पड़ता है, ठीक है। और वो ट्विन प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है, और ट्विन प्रोड्यूस करने के लिए अगर तुम कंसंट्रेट ज्यादा दोगे, ठीक है, तो ट्विन प्रोडक्शन के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं फ्लसिंग, ठीक है। जब गोट हीट में आती है उससे 1 सप्ताह पहले, ठीक है, या 1-2 दिन पहले तुम कंसंट्रेट दो तो उसको कहते हैं फ्लसिंग, ठीक है। जो गोट जो होती है उनको लेग्यूमिनस पाउडर बहुत पसंद होता है, ठीक है, लेकिन वे शोरगम, विस्ट्रा, मेज, ठीक है, इनको पसंद कम करती है, ठीक। तो मिल्क कन्वर्जन रेट जो होती है गोट की वो 45 से 71% होती है, मतलब 1 किलो फीड खाई तो वो
उसमें से 45% जो फीड होगी उसको मिल्क में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। जबकि जो कैटल होती है उसमें मिल्क कन्वर्जन रेट जो होती है लो होती है, वो होती है सिर्फ 30%, ठीक है। तो गोट जो होती है नमक को बहुत ज्यादा पसंद करती है, जो नमक होता है उसको, नमकीन चीजें होती है उसको बहुत ज्यादा खाती है, ठीक है, ताकि वो बना रहे, क्या नाम, ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि गोट मैनेजमेंट के वक्त हमको कौन कौन से रूटीन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, अगर मान लो तुम एक फार्म रखते हो तो कौन कौन से रूटीन प्रोसीजर फॉलो करते हो, ठीक। तो पहली बात है हैंडलिंग ऑफ गोट। तो गोट को तुम अगर हैंडल करोगे तो कभी भी उसको मत पकड़ना, क्या कहते हैं, सिंग को मत पकड़ना या कान को मत पकड़ना, ठीक। उसको पकड़ने के लिए आपको या तो एक टांग, अगर बड़ी है मान लो 40-35 किलो की है, 35-40 किलो की है, तो उसकी एक टांग पकड़ सकते हो, टांग पकड़ के खींच सकते हो, जो पीछे वाली टांग होती है, ठीक। या जो फ्लैंक रीजन है उसको पकड़ सकते हो, ठीक है। तो हमको हैंडलिंग ज्यादातर क्यों करनी पड़ेगी, ताकि फीडिंग करवानी हो या मिल्किंग करवानी हो या ट्रीटमेंट कर देना हो, ठीक है। या फिर उनको या तो फ्लैंक रीजन से पकड़ो या तुम उसको वहां से पकड़ो गर्दन के पास से, ठीक है, बेस्ट रहता है गर्दन के पास से तुम पकड़ो, ठीक है। फिर कैस्ट्रेशन, दूसरा दूसरा प्रोसीजर हम करते हैं रूटीन में वो है कैस्ट्रेशन, ठीक है। कैस्ट्रेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ टेस्टिस को कहते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। ये किया जाता है बेबी बर्डिजो मेथड से, ठीक है, बेबी बर्डिजो मेथड से। कितनी वीक की एज पे, 2 से 4 वीक की एज पे, 2 से 4 वीक की एज पे। अब देखो कैस्ट्रेशन क्यों किया जाता है, ताकि एक तो वो होती है, एक स्मेल आती है, जो मेल गोट जो होता है उसमें से एक स्मेल आती है, ठीक है, वो स्मेल ना आए तो पेलेटिविटी बढ़ जाती है। अगर तुम कैस्ट्रेशन कर दोगे तो वो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, बक जो स्मेल आती है, ठीक है, वो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, बक में से। फिर जो वेट गेन होगा वो फास्ट होगा, ज्यादा वेट गेन करेगी, ठीक है। जो स्किन जो प्रोवाइड करेगी, जो क्वालिटी ऑफ स्किन जो होगी वो बहुत बढ़िया स्किन मिलेगी, ठीक है। अब जो डी ओरिंग की कब की जाएगी गोट की, गोट में डी ओरिंग भी की जाती है, वो की जाती है 1 वीक की एज में, मतलब जो हॉर्न बड होती हैं उनको निकाल दिया जाता है 1 वीक की एज पे, ठीक है, या डिसबडिंग समझ लो, ठीक। डिसबडिंग भी किसी किसी गोट में की जाती है, गोट में जल्दी से फॉलो की जाती है डी ओरिंग, बट किसी किसी गोट में की जाती है, ठीक। फिर जो केयर ऑफ फीट, भाई उनके हमको फीट में कभी कभार चोट लग जाती है, ठीक है, ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है कबा को कभी कभार, ठीक है। जैसे कि जब जब तुमको यूं दिखेगी हूफ बड़े हो गए तब आपको हूफ ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन, तो ईयर नोचिंग एक मेथड है उनका, ठीक है, और जब छोटा होता है किड होता है, ठीक है, तब तो उस करते हैं टैटूइंग, ईयर टैटूइंग, ठीक है। ईयर नोचिंग कब करते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, तब हम करते हैं ईयर नोचिंग, ठीक है, वो की जाती है 1 वीक की एज पे, ठीक है। पहले फॉलो किया जाता है ईयर टैटूइंग, फिर उसके बाद ईयर नोचिंग, या ईयर टैगिंग भी यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है, गोट में ईयर टैगिंग भी यूज होता है, ठीक। और हाउसिंग ऑफ गोट, अगला पॉइंट है हाउसिंग ऑफ गोट, ठीक है। जो गोट होती है उसको ज्यादातर कोई ऐसे पक्का हाउस की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कोई पक्की साइड की जरूरत नहीं होती, बस एक नॉर्मल सी साइड हो, ठीक है, ऊपर टीन लगी हो बहुत है, ठीक है। और बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर चाहिए होता है, ठीक है, फ्रेश एयर होनी चाहिए, ठीक है, तुम नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत हाउसिंग की जरूरत होती है ताकि वो एडवर्स वेदर से में बच सके, ठीक है, जो खराब वेदर हो उससे बच सके, ठीक है। तो अंडर फार्म एंड सिटी कंडीशन एन इकोनॉमिकल हाउसिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। जो एक पैन हो उसका 5 गुना में 2.5 फिट और 6 फिट हाइट हो, ठीक है, 6 फिट हाइट हो, 5 गुना में 2.5 फिट चौड़ा हो, ठीक है, वो एक पेयर ऑफ गोट के लिए ठीक है, ठीक है, सफिशियंट है, ठीक है। एक पेयर ऑफ गोट मतलब दो गोट के लिए, एक एक गोट हो एक बक हो, ठीक है, बक और डो के लिए, ठीक है। सर पैंट्स में भी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो अलग अलग पैंट आप जितने तुम्हारे पास पेयर है उनके हिसाब से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर मिल्किंग गोट ए सेपरेट पैन, अलग से पैन चाहिएगा मिल्किंग के लिए, गोट में अगर तुम मिल्किंग करते हो तो सेपरेट पैन चाहिए होता है, ठीक है। और जो शेल्टर हो वो हमेशा फायर प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कभार फायर लग जाती है, ठीक, हमेशा फायर प्रूफ होनी चाहिए, ठीक। फिर अगला पॉइंट है डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन कब कब की जाती है, ठीक। तो गोट होती है, गोट में अगर तुम
शुरू में बात करें, ठीक है, जब वो 3 महीने से नीचे होती है तब हर 15 दिन पे हमको डिवॉर्म करनी चाहिए, 3 महीने बाद हर महीने डिवॉर्म करें, 3 महीने से 6 महीने के बीच में, और 6 महीने बाद हर 6 महीने में डिवॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। फिर वैक्सीनेशन ज्यादातर गोट में किया जाता है, ज्यादातर पीपीआर के लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा, ठीक है, पीपीआर के लिए, एंट्रोटॉक्सीमिया के लिए, ठीक है, एचएस के लिए, बसिन के लिए किया जाता है, पीपीआर, पी आर, ठीक है, एक बीमारी होती है इसके लिए की जाती है पीपीआर के लिए, ठीक है। फिर कौन सी डिजीज होती है गोट में, तो तुमको पहली बात है मेस्टाइटिस, ठीक है, दूध देने वाली जो गोट होती है उनमें मेस्टाइटिस बहुत कॉमन होती है, ठीक है, बहुत आराम से हो जाती है, ठीक। फिर फूट रोट होती है, फूट रोट नहीं, FOOT, फूट रोट, ठीक है, फूट रोट है, जो फूट जो होगी उसमें एक फंगस होती है वो लग जाएगी, या बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोडिस होता है, ठीक है, बैक्टीरियोडिस बैक्टीरिया होता है उससे होती है, ठीक है, ब्रुसेलोसिस, ठीक है, अबॉर्शन हो जाती है इसमें, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासिट की इन्फेस्टेशन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि एस्केरिस का इन्फेस्टेशन, एम्पिस्टोम का इन्फेस्टेशन, ठीक है, इनका, ठीक है, या मतलब इमोनकस होता है, एक इंटरनल पैरासाइट होता है, वो होता है, उसका इन्फेस्टेशन हो सकता है, ठीक। फिर पॉइजनिंग हो सकती है, कोई कोई बाहर ये जाते ब्राउजिंग करने जाते हैं तो कोई पॉइजनस पेड़ खा ले, ठीक है, ड्रॉट टाइम में जब सूखा पड़ा हो तब, तो पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक। फिर ब्लोट, ब्लोट बहुत कॉमन है गोट में, ब्लोट हो गया, एसिडोसिस हो गई, ये कॉमन रहती है क्योंकि गोट को कुछ भी खिला दिया जाता है, खाना जो घर का बचा हुआ है उसको खिला दिया जाता है, ठीक। फिर जो हूफ होते हैं जो गोट के बहुत पैने होते हैं, ठीक, उसकी वजह से टीट जो होती है वो रडर में चोट लग सकती है, या जब गोट दूर दूर तक घूमने जाती है तो चोट लग सकती है, ठीक। तो ये था गोट मैनेजमेंट, ठीक, गोट मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि मैं उसको कैसे मैनेजमेंट करें, कौन कौन से पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, कुछ वे बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ये पहले 36 पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें मैंने एक चेंज करवाया है हार्ट बीट वाला, तो ये हार्ट बीट वाला याद मत करना, ठीक है। तो फीडिंग हैबिट हमको चेंज करनी, कौन कौन सी फीडिंग हैबिट होती है, ठीक, गोट की फीडिंग हैबिट में ब्राउजिंग होती है, गोट आर ब्राउजर, ठीक है, याद रखना ब्राउजर होती है गोट, ठीक। फिर अलग अलग टेस्ट बता सकती हैं, देख बता सकती हैं, ठीक, गोट को हम किस किस चीज़ के लिए रियर कर रहे हैं, ठीक, कैस्ट्रेशन कितनी एज पे हम कैस्ट्रेशन करते हैं, कितनी एज पे हम डिओर्निंग करते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन मेथड है, हाउसिंग में कैसी हाउसिंग चाहिए गोट के लिए, ठीक है, डिओर्मिंग कैसे कब कब की जाती है, ठीक है, किस किस के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, पीपीआर के लिए बताया मैंने, एंटोटॉक्सीमिया के लिए बताया, ठीक है, इन दो डिजीज के लिए हमको कम से कम वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और गोट जो होती है ब्राउजर होती है, ये याद रखना, ठीक है। और गोट और शिप में एक डिफरेंस होता है, जो शिप की जो टेल होगी वो हमेशा नीचे की तरफ होती है, गोट में जो टेल होती है हमेशा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये था गोट मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगला है शिप मैनेजमेंट, ठीक है। शिप मैनेजमेंट में देखो पहले स्पीसीज कौन सी है, ठीक है, ये किस स्पीसीज में आती है, ओवाइन में, ठीक है, ओवाइन में आती है, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ एनिमल जो होता है शिप का, ठीक है, उसको कहते हैं, या जो झुंड होता है शिप का उसको कहते हैं फ्लोक, ठीक है, शिप के झुंड को कहते हैं फ्लोक, ठीक है। अब जो एडल्ट मेल जो होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडल्ट मेल को रैम कहेंगे, ठीक है, जो एडल्ट फीमेल जो होगी उसको ईव कहेंगे, ठीक है। फिर जो एडल्ट ये यंग मेल होता है, जो बच्चा होता है, ठीक है, मेमना, ठीक है, मेमना अगर मेल होता है उसको रैम लैम कह देते हैं, मेमना अगर फीमेल हो तो उसको ईव लैम कह देते हैं, ठीक है। फिर जो न्यू बोर्न जो होता है शिप का, जो लैम होता है या मेमना होता है उसको लैम कहेंगे, ठीक, न्यू बोर्न को, शिप के न्यू बोर्न को हम लैम कहेंगे, ठीक। हाँ, फिर एक चीज और याद रखना, ठीक है, शिप का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ओविस एरिज होता है, ठीक है, ओविस एरिज होता है, OVIS, OVIS, ARIES, ठीक है, ओविस एरिज होता है, ठीक है। फिर एक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन, अगर शिप जब अपने लैम को जब बर्थ देती है तो उसको कहते हैं लैम्बिंग, लैम्ब वर्ड से आया लैम्बिंग, ठीक है। ऐसे
टप होता है, अडल्ट मेल होता है, शिव का जो अडल्ट मेल होता है उसको टप कहते हैं। ठीक, टप वर्ड से आया टपिंग। ठीक है, एक्ट ऑफ मेटिंग इन शिप इज कॉल्ड टपिंग। ठीक है, जब मेटिंग करवा देते हैं शिप की, मेल शिप की और फीमेल की, तो उसको कहते हैं टपिंग, राम की और ईव की। ठीक, फिर जो फीमेल विद लैम्ब को कहते हैं सकलिंग। ठीक है, फीमेल विद लैम्ब को कहते हैं सकलिंग, याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख रखा है, फीमेल विद लैम्ब, जैसे काफ एट फुट को कहते हैं कुछ और कहते हैं ना, ऐसे फीमेल विद लैम्ब को कहते हैं सकलिंग। ठीक है, फीमेल विद लैम्ब को सकलिंग। फिर जो जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, जब जेस्टेशन पीरियड जो होता है शिप में, वो होता है थोड़ा कम, गोट से थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है, 144 से 150 दिन। ठीक है, ये जरूर याद करना, गोट गोट शिप का जेस्टेशन पीरियड पूछ लेते हैं, प्लस जो शिप का ईस्टर साइकिल कितनी लंबी होती है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं, 17 से 18 दिन होती है एवरेज। ठीक है, लेकिन गोट की 21 दिन होगी, तो ये देख लेना। ठीक है, फिर एज ऑफ प्यूबर्टी जो होगी वो गोट से थोड़ी ज़्यादा होगी, 8 से 9 महीने। ठीक है, 8 से 9 महीने एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब ओवरी ओवरसेक्रेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है शिप में, अगेन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन शिप में। ठीक है, शिप में रेट ऑफ रेस्पिरेशन 30 से 35 होती है, ठीक है, पर मिनट, 30 से 35 पर मिनट। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फिर एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो होता है शिप का, वो होता है 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 38 से 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो एवरेज हार्ट बीट होगी वो 60 से 80 पर मिनट हो सकती है। ठीक है, 60 से 80, तुम 60 से 72 भी लिखोगे वो भी ठीक होगा। ठीक है, अगर जानवर छोटा होता है, ठीक है, छोटा जानवर होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसके हार्ट बीट ज़्यादा होगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना बड़ा जानवर होगा उसकी रेस्पिरेटरी रेट कम होती है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है, एवरेज हार्ट बीट भी कम होती है। ठीक है, अब जो शिप का रियर किया जाती है, शिप जो हम रियर करते हैं वो किस किस पर्पज के लिए रियर करते हैं, मीट के लिए, वूल के लिए, ठीक, मिल्क के लिए, इसका जो मिल्क होता है वो सब मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, उसके लिए यूज की जाती है, फिर उसके खाल के लिए, ठीक, और मैन्योर के लिए, ठीक, चमड़े के लिए और मैन्योर के लिए, मैन्योर मतलब खाद के लिए। ठीक, अब ये भी याद रखना, जो शिप था ना, पहला रूमिनेंट एनिमल था जो डोमेस्टिकेट किया गया था। ठीक है, पहला रूमिनेंट एनिमल है जो डोमेस्टिकेट किया गया था, रूमिनेंट है जो डोमेस्टिकेट किया था। ठीक है, जो डोमेस्टिकेट किया गया था। ठीक, अब अगला पॉइंट है, शिप की कौन कौन सी ब्रीड है नॉर्मली जो अपने नॉर्थ इंडिया पाई जाती है, ये तो गद्दी। ठीक, गद्दी मिलती है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। ठीक, नाली, चोकला, ये राजस्थान की ब्रीड है, सोनाड़ी, ठीक, मालपुरिया, ये सभी शिप ब्रीड है। ठीक है, अपनी लोकल ब्रीड है, अपने देश की ब्रीड है। ठीक, कुछ एग्जोटिक ब्रीड भी है, जैसे कि मैरिनो हो गया, ठीक है, राम बुलेट हो गया, ठीक है, कोरिडेल हो गया। ठीक है, ये एग्जोटिक ब्रीड। ठीक, अब जो शिप जो होती है उसका जो अपर लिप होता है वो प्रीहेंशन होता है, प्रीहेंशाइल होता है। ठीक है, वो उसको हिला सकती हैं, उससे आप अपनी जो घास होती है, ग्रास होती है उसको पकड़ सकती हैं। ठीक है, उसको काट सकती हैं। ठीक है, और फिर जो जो इसका जो अपर लिप होता है वो उसको दो भागों में बांटा गया होता है, एक खाई से, ठीक है, खाई हो सकती है या मतलब एक लाइन होगी, उसे दो भागों में बटा होगा। ठीक है, फिर जो शिप जो होती है वो ज़्यादातर जब हम काट लेते हैं अपनी गेहूँ काट लेते हैं, ये चारों काट लेते हैं, इसके बाद में जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है उसमें हार्वेस्टिंग करती हैं। ठीक, उसको ज़्यादातर खाती हैं। ठीक, उसको ज़्यादातर खाती हैं, तो ये ज़्यादातर ग्रेजर होती हैं। ठीक है, इनको हम ग्रेजर कह सकते हैं। ठीक, याद करना, ग्रेजर जो शीप होती है वो ग्रेजर होती है। ठीक, फिर जो शीप जो होती है सस्ती होती है, तो हम फाउंडेशन स्टोन होता है, बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो हमको ज़्यादा महंगे शीप खरीदने की जरूरत नहीं होती। ठीक, फाउंडेशन स्टोव होता है, सस्ता होता है। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई बहुत रैपिडली करती हैं, एक साल में 2 बार ब्याजती हैं। ठीक, 2 बार बच्चा पैदा करती हैं। ठीक, फिर जो शिप जो होती हैं कोई सप्लीमेंट्री फीड की जरूरत नहीं होती इनको। ठीक है, जैसे लेकिन गोट को हम बता रहे थे जो दूध देती थी, तो उसको हमको कुछ कंसेंट्रेट,
लेग्यूमिनस 4 ग्राम देना पड़ रहा था, लेकिन इसको कोई सप्लीमेंट फीड की जरूरत नहीं होती, बस ग्रेजिंग पे ही जिंदा रह सकती है। ठीक है, तो ज्यादातर ये वीड पे जिंदा रहते हैं, या कोई छोटी ग्रास होती है रूट पे, श्रब पे, ठीक है, सीरियल ग्रेन पे, जो अभी बाय प्रोडक्ट होता है हार्वेस्टिंग से मिलता है, उन पे जिंदा रह सकती है। ठीक है, अब जो शीप जो जो होती हैं, उनको कोई भी सप्लीमेंट्री फीड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि शीप जो होती है उसको कोई भी सप्लीमेंट्री फीड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, शीप जो है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, वैल्यूबल मीट में बदलने के लिए सबसे बेस्ट जानवर है। ठीक है, सबसे बेस्ट जानवर है वेस्टफुल जो प्रोडक्ट होता है उसको वैल्यूएबल मीट में बदलने के लिए। ठीक है, फिर शीप जो होती है बहुत ज्यादा वीड बहुत खाती है। ठीक है, वीड मतलब जो खरपतवार होता है, ठीक है, उसको बहुत खाती है, हार्वेस्टिंग के बाद जो खरपतवार बचती है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक, जैसे कि गोट जो होती है वो हम ज्यादातर ऊपर जो पेड़ होते हैं साफ सफाई जो जहाँ पर रहती है उस चीज को खाती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। ठीक है, या मतलब जो ताजा पत्तियां होती है, ठीक है, ताजा पत्तियां वो खाती है, लेकिन जो शीप होती है, ठीक है, शीप कभी भी किसी पेड़ को हार्म नहीं करती। ठीक है, वो हमेशा नीचे जमीन पे जो घास होती है उसी को खाती है। ठीक, फिर जो शीप का जो डंग होता है बहुत बढ़िया मैन्योर होता है, बहुत बढ़िया खाद होता है। ठीक, फिर जो शीप जो वूल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बेसिक अपने जो कपड़े पहनते हैं वो हम सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वूल के ही कपड़े पहनती है। ठीक, बहुत महंगे होते हैं, अलग अलग जो होती है पश्मीना जो होती है वो शीप से मिलती है। ठीक, तो ये अलग अलग वूल होती है, क्वालिटी भी होती है। ठीक, मीट की जो शीप की जो मीट की क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, बहुत महंगा मिलता है इसका जो मीट होता है वो 450 रुपये किलो ऐसा होता है। ठीक, फिर एक शीप की जो होती है हार्डिंग स्टिक होता है कि वो हमेशा झुंड में रहती है। ठीक है, कभी भी झुंड से बाहर नहीं जाती, तो इसलिए हमको ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तुम एक शीप को अगर कंट्रोल कर लोगे तो सारी शीप उसके हिसाब से ही फॉलो करेगी। ठीक, तो ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो ये 10 पॉइंट थे, तो ये जरूर याद कर लेना कि शीप एक ग्रेजर है, ठीक है, वीड डिस्ट्रॉयर है। ठीक, और जो ये इनको कोई सप्लीमेंट्री फीड की जरूरत नहीं होती। ठीक, फिर अगला पॉइंट है कि जो शीप जो होती है उनको जब हम रियरिंग करते हैं तो उनको हाउसिंग कैसे जरूरत पड़ती है। ठीक, तो पहला पॉइंट है शीप हाउसिंग। ठीक है, तो शीप होती है उनको कोई भी कॉस्टली बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे तुम कुछ घर बना के दो, पक्का हाउस बना के दो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि गोट को ओपन ओपन एरिया में रेस्ट करने का वो बढ़िया रहता है, वैसे ही शीप में भी ओपन एरिया में रेस्ट ज्यादा करती है। ठीक, बट उनको हमको प्रेडेटर से बचाए रखना पड़ता है। ठीक है, प्रेडेटर से बचाना पड़ता है। ठीक, एन ओपन स्पेस मेड ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल इज सफिशियंट। ठीक है, थोड़ी सी शेड हो जहाँ पे शेल्टर में आ सके, जब ज्यादा धूप हो तो वो वहां पे आके रह सके। ठीक, फिर जो शीप के पास वूल होती है, ऊन होती है, ठीक है, ऊन की वजह से वो उनको उनकी ज्यादा रक्षा नहीं करनी पड़ती विंटर से। ठीक, विंटर का ही प्राणी है। ठीक है, ये शीप जो है विंटर में ही जिंदा रहती है। ठीक, ज्यादातर तो हमको ज्यादातर उसके लिए हमको ज्यादा रक्षा नहीं करनी पड़ती विंटर से। ठीक, फिर जो हमारी जो ये नॉर्थ इंडियन ब्रीड है जो हिमाचल प्रदेश में मिलती है, ठीक, ये ब्रीड ज्यादातर वूल के लिए पाली जाती है। ठीक, वूल के लिए रखी जाती है। फिर जो अपनी ये इधर नीचे आ जाओ साउथ इंडियन ब्रीड है, ज्यादातर मीट के लिए रखी जाती है। ठीक है, फिर अपनी जो उत्तर प्रदेश में जमुनापारी ब्रीड है, ये जमुनापारी सॉरी उत्तर प्रदेश, ये इधर वाले जो एरिया है इधर ड्यूल पर्पज ब्रीड मिल जाएगी, वूल के लिए भी और दूध के लिए भी। ठीक है, और मीट के लिए भी। ठीक है, ड्यूल पर्पज ब्रीड मिलेगी अपने राजस्थान में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। वूल के लिए जो ब्रीड मिलेगी कहाँ मिलेगी, नॉर्थ इंडिया मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ठीक है, मीट के लिए जो ब्रीड होंगी वे अपने तमिलनाडु में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इन्हें मिलेगी। ठीक, ये जो शीप में एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे वूल बहुत बड़ी हो जाती है तो ज्यादा चांस होते हैं कि भाई इनमें इंसेक्ट ज्यादा लग जाए। ठीक है, तो लाइस ज्यादा हो सकती है,
जुएं ज्यादा हो सकती हैं, टिक ज्यादा हो सकती हैं, तो हमको रेगुलर डिपिंग करवानी पड़ती है इनको। ठीक, डिपिंग की से करवा सकते हो, DDT से करवा सकते हो, सल्फर पाउडर से करवा सकते हो, लाइम सल्फर सॉल्यूशन से करवा सकते हो। ठीक, इन चीजों से तुम डिपिंग करवा सकते हो। पर डिपिंग करवाते वक्त एक ध्यान रखना होता है कि उनका जो मुंह होता है वो कभी भी सॉल्यूशन में नहीं डिबाना। ठीक है, सॉल्यूशन में डुबाओ तो जो सॉल्यूशन होगा वो आंखों में जाएगा, तो इरिटेशन करेगा प्रॉब्लम। ठीक, और जो 0.5% डेल्टा मेथ्रिन भी यूज कर सकते हो आप DDT में, इसमें डिपिंग के लिए। ठीक, डिपिंग होती है मतलब जो सीप होती है उसको इंसेक्टिसाइड जो सॉल्यूशन होता है उसमें डुबाना। ठीक है, फिर डिवॉर्मिंग, सीप के हमको डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है। डिवॉर्मिंग किसी से कर सकते हो, बेनमिथ से कर सकते हो, ठीक है, एल्बेंडाजोल से कर सकते हो, ठीक, और भी जो है लेवामिसोल इनसे भी कर सकते हो। ठीक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एल्बेमिथिक है सबसे बेस्ट होती है। ठीक, एल्बेंडाजोल होती है, फेनबेंडाजोल होगी, इनसे आप कर सकते हो। ठीक, फिर जो कैस्ट्रेशन होता है शीप में, ठीक है, मेल लैम का किया जाता है वो 2 से 4 वीक की एज पे। ठीक, 2 से 4 वीक की एज पे बड़ी जो कैस्ट्रेशन। ठीक, क्यों क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, एक तो डोसाइल बनाने के लिए, ज्यादा वेट गेन होगा, ठीक है, ज्यादा मीट मिलेगी, ठीक, बड़े क्वालिटी मीट मिलेगी। ठीक, फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे करेंगे, एक तो है ईयर नोचिंग और टैटूइंग। तो ईयर नोचिंग हो गया, टैटूइंग हो गया, ईयर टैगिंग हो गया। ईयर टैटूइंग हम करते हैं जब छोटा एज हो, तो जैसे मतलब किड की एज है, किड एज है, ठीक है, छोटी एज है, तब हम करते हैं। ईयर टैगिंग हम कर देते हैं जब बड़ी एज होती है, जब कान बड़ा हो जाता है उनका, जो कान होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक, तब हम आराम से ब्लड वेसल सर्च करके आराम से ईयर टैगिंग कर सकते हैं। फिर जो शेप होती है उसको हमेशा हमको फ्लैंक जो होता है, फ्लैंक रीजन होता है, वहां से हमको होल्ड करना चाहिए या हैंड लिम्ब को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, कभी भी जो शीप होता है उसको उसके वूल को नहीं पकड़ना चाहिए हमको, क्योंकि वो वूल उखड़ सकते हैं, या कभी भी टेल को नहीं पकड़ना चाहिए, कभी भी उसके सिंग को नहीं पकड़ना चाहिए, कभी भी उसके कान को नहीं पकड़ना चाहिए। ये सभी पेनफुल मेथड होते हैं। बस उसके फ्लैंक जो रीजन होता है उसको, और फ्लैंक रीजन या हैंडलिंग का जो एरिया होता है उसको पकड़ के अपने पैरों से डालो, वही होता है। ठीक, गोट में आप कैसे कर रहे थे, नेक को होल्ड करके। ठीक, अब वैक्सीनेशन जो सीप में ज्यादातर किया जाता है ब्लू टंग के लिए, एंटोटोक्सिमिया के लिए, ठीक है, शीप पॉक्स के लिए या PPR के लिए। ठीक, अब जो कुछ कॉमन डिजीज है शीप की, एक तो लंग वॉर्म हो सकता है, ठीक, या इंटरनल वॉर्म हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, ठीक, एंट्रोटॉक्सिमिया होता है, लाइम डायसेंट्री हो सकता है। ठीक, तो इनमें से मेन मेन है ये याद कर लेना। ठीक है, तो शीप में एंट्रोटॉक्सिमिया मिलेगा, लाइम डायसेंट्री मिल सकता है, ठीक, ब्लू टंग मिल सकता है, BLUE, ब्लू टंग, TONGUE टंग, ठीक, ब्लैक वाटर, ठीक, सी पॉक्स, ठीक, वोम ज्यादातर हिमानकस से मिलता है, HEHAEMONCHUS, हिमानकस। ठीक, हिमानकस जो वोम होता है वो मिलता है, ठीक है, सीप में। ये था सीप मैनेजमेंट। तो सीप मैनेजमेंट छोटा सा है, मेन इसमें याद रखना है डीपिंग, कैस्ट्रेशन एज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मेथड, फिर ये अलग अलग जो टर्म है, 16 टर्म, अलग अलग जो टर्म है शीप को, साइंटिफिक नेम क्या है, ओविसेरिस है, ठीक है, उसको ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्ट मेल को क्या कहते हैं, ठीक है, अल्ट फीमेल को क्या कहते हैं, ये सब भी हमको याद करना होगा। ठीक, और जो शीप जो होती है हमेशा ये याद रखना कि ये ग्रेजिंग ग्रेजिंग करती है। ठीक, और इसकी जो बॉडी होगी वो बैरल शेप बॉडी होगी, सीप की जो बॉडी होगी बैरल शेप बॉडी होती है, और जो टेल होती है वो हमेशा नीचे की तरफ रहती है। ठीक, शीप में और गोट में डिफरेंस है कि टेल, टेल से तुम पता लगा सकते हो कि ये गोट है या शीप है। ठीक है, गोट की जो टेल होगी वो हमेशा ऊपर तरफ रही, शीप में जो टेल होगी वो हमेशा नीचे की तरफ रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।